नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है टॉप 10 का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी बोले, महाराष्ट्र में विकास तेज हुआ, हमने मराठी भाषा को नई पहचान दी। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के काफिले का प्रतापगढ़ के पास हुआ एक्सीडेंट। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने 6 विधानसभा सीटों पर किया प्रत्याशियों का ऐलान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे, हरियाणा चुनाव में जीते 3 निर्दलीय विधायक। राहुल गांधी बोले, हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का कर रहे विश्लेषण। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बोले संजय सिंह, कांग्रेस वाले आपको तो कुछ समझते ही नहीं। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने दलितों के बीच झूठ फैलाने की क्यों कोशिश। सूरत में नाबालिग लड़की के साथ हुआ गैंगरेप, आरोपियों की तलाश जारी। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान, गाजा में अब तक 42,000 लोगों की हुई मौत। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।